देखो तो ये हाथ में कितनी उंगली है, देखो तो पांच। इस हाथ में पांच उंगलियां हैं और इसमें टोटल दस उंगलियां है ना। ये एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस सब में लिखा हुआ भी है, हम इसमें लिख दिए हैं। दूर से अगर नहीं भी दिखाई दे तो गिनती तो कर सकते हो तुम लोग, है ना। ये एक दो तीन चार पाँच और ये छह सात आठ नौ दस, तो नौ से हम गुना करेंगे किस इसमें लिखे हुए किसी भी अंक से। नौ को गुना करना है तो तुम लोगों ने पहले कहा है नौ को गुना करना है चार से, नहीं हाँ। तो देखो कितना हाथ ही हमारा कैलकुलेटर है, गुना करने की जरूरत ही नहीं है और गुना हो जाएगा। तो चौथा उंगली कौन सा है, एक दो तीन चार, ये है चार। चौथा उंगली को हम पकड़ लेंगे क्योंकि नौ को गुना चार से करना है, तो चौथा उंगली को हम पकड़ लेंगे। तो चार के पहले कितना उंगली है, देखो तो तीन, तीन लिख दो। और इसके बाद कितना उंगली है टोटल, छह। हो गया गुना, भारी है हल्का है ना। अब नौ को गुना करना है पांच से, पांचवा उंगली पकड़ लो। पांच के इधर कितना है, चार, चार। और पांच के उधर कितना है, पांच। बस हो गया गुना, मजा आ रहा है। अब नौ को गुना करना है नौ से, नौ वाला उंगली पकड़ लेंगे। नौ के इधर कितना है, एक है। ये पांच और ये तीन, आठ। आठ और नौ के उधर कितना है, एक। हो गया गुना, देख रहे हो। नौ को गुना छह से करना है, छठा वाला पकड़ लिए। छह के इधर कितना है, पांच। और उधर चार, चार। पांच और चार, हो गया गुना। अब दस, दसवां पकड़ लो, नहीं दस के इधर कितना है, नौ। नौ और दस के उधर कुछ है, नहीं, जीरो। नहीं है, नहीं है तो जीरो है। हो गया गुना, मजा आया। तो जोर से गली में जाओ।